काफी अच्छी सेहत हो गई है आपकी। मेरे होते हुए तो हर वक्त बीमार रहती थी आप। हाँ, क्योंकि अब उनका ख्याल रखने के लिए उनका बेटा वापस आ गया है। उसे एक फजूल रिश्ता निभाने के लिए घर जमाई बनकर नहीं रहना पड़ा। शट अप, ये तुम्हारा अपना फैसला था, हमारा नहीं। बहुत फायदा उठाया तुमने मुझसे, मेरे घर वालों से, हमारे स्टेटस से। क्यों आया था? 4 महीने, 10 दिन, 12 घंटे, इद्दत खत्म होते के फौरन बाद ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बहुत तकलीफ और बहुत बेसब्री से गुजारा है मैंने ये बात, लेकिन ऐसे तैसे गुजर ही गया। तुमने सुना है ना, जहन्नुम का एक दिन दुनिया के हजारों दिनों के बराबर होगा। मैं तुम्हारी दुनिया ही जहन्नुम बना दूंगी। ये जो लड़की है ना, ये तुम्हें खुद छोड़ कर जाएगी। Let me understand. तो तुम्हें लगता है कि मैं इसे छोड़ के दोबारा तुम्हें अपना लूंगा? डेढ़ साल मंगनी, 2 साल शादी, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए। मैं कॉलेज से ही अपने उत्तरण या तो इसको देती थी या फिर फेंक देती थी, कि दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। तुम दोनों को तो मैं वहां जलील करूंगी जहां तुमने मुझे जलील किया है। तुम जैसे घटिया आदमी को ना घटिया औरत ही डिजर्व करती है, मैं नहीं। मैं और सिर्फ मैं। पता है ये फर्क है तुम दोनों में, इसके साथ ना हम दोनों आम हैं। तुम्हारे पास ये तुम्हारा जाहिरी हुसन, तुम्हारी अना, तुम्हारी जेद और तुम्हारी मैं के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आई एग्री, यू वेरी ब्यूटिफुल मुबशी, लुक एट यू। लेकिन इसके पास वो सारी चीजें हैं जो किसी भी औरत का हुस्न बढ़ा देती है। प्यार, मोहब्बत, वफा। And this one's really going to shock you, Basha. Are you ready? ये अपने शौहर की इज्जत करना जानती है। In every single aspect, she is a top of the line woman. Shut up! देखिए तुम्हारी ये मैंने औरत, top of the line, अपनी ही दोस्त को मोबाइल हमारे घर के दरवाजे पे खड़ी रहती है। सारा सारा दिन मोहिब को पुलिस थाने में बुलाकर बिठाए रखती है। मोहल्लेदारों के सामने अलग तमाशा लगाया हुआ, क्या चाहती हो तुम? मुझे लगा था मेरा वकील कोई काम ही नहीं कर रहा है, बेकार है। और मेरा जो डैड है वो झूठे दिलासे दे रहे हैं, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई डैड। और मिस्टर मोहिब, ये जो तुम्हें मेरी मैं पे एतराज है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये मैं बहुत जरूरी होता है। यहां से तुम्हारी ये हम और मेरी मैं आमने सामने खड़े, देखते कौन जीतता है। एंड बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस लूजर्स।